हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा स्टेट के ऊपर में, तेलंगाना स्टेट के ऊपर में और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की मॉपअप राउंड काउंसलिंग की मॉपअप राउंड काउंसलिंग की रिजल्ट पब्लिश हुई है। तो मॉपअप राउंड में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की मॉपअप राउंड में ब्रांच वाइज कट ऑफ क्या रही, क्लोजिंग रैंक कट ऑफ क्या रही है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन नोटिफिकेशंस की, उन स्टेट्स की जिनके तरफ से कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं। हरियाणा स्टेट ने अपनी मॉपअप राउंड काउंसलिंग और स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग की स्केड्यूल पब्लिश कर दी है। मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन, 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट का पेमेंट और साथ में चॉइस फिलिंग की जो डेट रखी गई है वो 22 जुलाई 2020 से लेकर के 25 जुलाई 2020 तक रखी गई है। कहने का मतलब है सबसे पहले आपको हरियाणा स्टेट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर 2 लाख रुपये का सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होगा और फिर उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग भी करनी होगी। और ये तीनों स्टेप जो है उसके लिए लास्ट डेट 25 जुलाई 2020 रखी गई है। 22 जुलाई से आप रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन 2 लाख की पेमेंट और चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो। स्ट्रे वैकेंसी राउंड की एक खास बात, हरियाणा स्टेट की एक खास बात यह है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन किया जाता है और कोई स्टेट ऐसा नहीं है जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का। बाकी स्टेट्स मॉपअप राउंड तक ही रजिस्ट्रेशन को अलाउ करते हैं और जिन्होंने मॉपअप राउंड तक रजिस्ट्रेशन किया है वो ही स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मगर हरियाणा स्टेट की एक खास बात यह है कि हरियाणा स्टेट स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन करती है। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी मॉपअप राउंड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते हैं और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अपने रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो अपनी फ्रेश रजिस्ट्रेशन हरियाणा स्टेट के लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड जब ओपन होगी, जब स्टार्ट होगी स्ट्रे वैकेंसी राउंड, तो उससे जस्ट पहले वो कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं तेलंगाना स्टेट पे। तेलंगाना स्टेट ने अपनी बी कैट की राउंड टू काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स पब्लिश कर दी है और सीट मैट्रिक्स पब्लिश करने के बाद चॉइस फिलिंग की भी डेट पब्लिश कर दी है। चॉइस फिलिंग के लिए सिर्फ एक ही दिन का टाइम दिया गया है, 21 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक। 21 जुलाई मतलब आज शाम 4 बजे से चॉइस फिलिंग तेलंगाना स्टेट की राउंड टू काउंसलिंग के लिए बी कैट सीट की राउंड टू काउंसलिंग के लिए स्टार्ट हो चुकी है और चॉइस फिलिंग की आखिरी डेट 22 जुलाई 2020 शाम के 4 बजे तक रखी गई है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि 22 जुलाई 2020 शाम के 4 बजे तक ही आखिरी डेट एंड टाइमिंग दी गई है। उससे पहले ही उन सभी स्टूडेंट को अपनी चॉइस फिलिंग कर लेनी है जिन्होंने तेलंगाना स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं। तेलंगाना स्टेट ने अपनी फीस भी पब्लिश की है। फीस को अगर देखें तो बी कैट सीट के लिए 16,72,000 रुपीज़ की फीस पर ईयर फीस चार्ज किए जा रहे हैं बी कैट सीट के लिए, क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए। और साथ में एक और कंडीशन है कि जो भी स्टूडेंट तेलंगाना में एडमिशन लेते हैं उन्हें फर्स्ट ईयर की फीस तो पेमेंट करनी ही होगी 16,72,000 रुपीज़ की, साथ में उन्हें 2 साल की बैंक गारंटी की भी देनी होगी। ये बैंक गारंटी, 2 साल की जो फीस है उसकी एक बैंक गारंटी भी कॉलेज में दी जाएगी, ऐसा कॉलेज वाले डिमांड करते हैं। तो फीस के अलावा आपको 2 साल की फीस की जो बैंक गारंटी है वो कॉलेज में जमा करनी होगी यदि आपको तेलंगाना स्टेट की काउंसलिंग में सीट मिल जाती है। और जिस भी कॉलेज में सीट मिलती है उस कॉलेज में आपको ये 2 साल की फीस की बैंक गारंटी सबमिट करनी होगी। इसके बाद एक और अपडेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की मॉपअप राउंड काउंसलिंग के रिजल्ट पब्लिश हुई। मॉपअप राउंड काउंसलिंग में की रिजल्ट पब्लिश होने के बाद देख लेते हैं कि ब्रांच वाइज क्लोजिंग रैंक कट ऑफ 2020 की मॉपअप राउंड काउंसलिंग में, डीम्ड की मॉपअप राउंड काउंसलिंग में क्या गई है, मतलब ब्रांच वाइज क्या क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डर्मेटोलॉजी से। डर्मा की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही 53,573 ऑल इंडिया रैंक। रेडियो की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 65,490। मेडिसिन की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही 63,269 ऑल इंडिया रैंक। पीडियाट्रिक्स की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही 64,254। ऑर्थोपेडिक्स की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही 88,373।
सर्जरी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही 94,357, ओबीजी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही 82,079, ऑप्थल की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही 75,994, साइकेट्री की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही 78,122, ईएनटी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही 90,782, एनेस्थीसिया की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही 1,03,250, पैथोलॉजी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही 1,08,988। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को जरूर सीट मिल गई होगी, उन सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से, करियर मीडिया की तरफ से मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें सीट नहीं मिली है, वो उनके पास अभी भी कुछ कुछ स्टेट्स हैं जिनके लिए वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हरियाणा एक स्टेट है जिसकी, अगर हरियाणा में देखें तो हरियाणा की कट ऑफ भी पीछे तक जाती है, तो हरियाणा स्टेट में आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हिमाचल की कट ऑफ पीछे तक जाती है, तो हिमाचल स्टेट की जब भी मॉपअप राउंड काउंसलिंग की स्केड्यूल पब्लिश होती है तो वो न्यू रजिस्ट्रेशन को अलाउ करेंगे। उस टाइम में आप सभी स्टूडेंट जिन्हें सीट नहीं मिली वो हिमाचल प्रदेश के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और पौंडीचेरी की भी जो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ है वो पीछे तक जाती है, तो पौंडीचेरी की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आज 21st of July 2020 ही रखी गई थी, तो आज वो रजिस्ट्रेशन भी ख़त्म हो जाएगी, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हो सकता है एक्चुअली पौंडीचेरी की रजिस्ट्रेशन पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रहे थे, तो हो सकता है इस टाइम को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए, थोड़ा एक्सटेंड करके कल तक का कर दिया जाए। तो अगर ऐसा होता है तो आप पौंडीचेरी के लिए भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और वैसे सभी स्टूडेंट्स जो स्ट्रे वैकेंसी को टारगेट कर रहे हैं वो इस बात को ज़रूर देखें कि मॉपअप राउंड के बाद कौन कौन से कॉलेजेस में, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में कितनी कितनी सीटें बच रही है, और वो सीटें कौन कौन से ब्रांचेस की बच रही है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगी कि कौन कौन से ब्रांचेस की कितनी कितनी सीटें बच रही है, तब तक आपको ये आइडिया लगेगा नहीं कि आपको किस कॉलेज की स्ट्रे वैकेंसी राउंड को अटेंड करना चाहिए। अगर ये कम्प्लीटली जैसे कि ऑफलाइन हो रही है तो आप एक ही टाइम में सब जगह अवेलेबल हो नहीं सकते, तो आपको बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही समझदारी से स्ट्रे वैकेंसी राउंड को ऑप्ट करना पड़ेगा और उसे लेकर के आगे अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन जहाँ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। और कोई भी गाइडेंस चाहिए या कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमसे पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं जिसमें हम आपको थ्रू आउट द काउंसलिंग कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। आपके ऊपर, आपके प्रोफाइल के ऊपर स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि हाँ आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। थैंक यू सो मच।